ओम शांति। हम सभी देख रहे हैं जो अभी तक बाबा के महावाक्यों में हमने सुना, सुनते आ रहे हैं वर्षों वर्षों से, अब वो एक एक शब्द साकार हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। या अभी भी कई डाउट जाता है, अपनी आंखों के सामने एक एक शब्द को, महावाक्य को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। बड़े खुशनसीब हैं हमारा परम शिक्षक खुद शिव बाबा, जिसने हमें बड़े प्रेम से, सम्मान से बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया। और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर कौन सा वक्त आता है? एग्जाम का। और एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो साक्षी रहता है। हम सोचे कि परीक्षा के टाइम पे वो हमें मदद करे, करेगा क्या? हुई आज तक? तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है। वैसे हम बिल्कुल लास्ट कागार पे खड़े हैं अभी। अगर अभी भी हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुला है तो इस भट्टी से ये कहना चाहेंगे कि प्लीज तीसरा नेत्र खोलकर समय को भांपिए और समय की नजाकत को समझते हुए अब मुझे क्या करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा वक्त दिया है बाबा ने हमें। अब की बार का जो झटका लगेगा उसमें हमें वक्त नहीं मिलेगा, उसके बाद टू लेट का बोर्ड फाइनल लग जाएगा। और सबसे वंडरफुल बात यह है कि हमें सब कुछ बता दिया उसने, शिक्षक है और कितने वर्षों से हमें बताता आ रहा, सब कुछ बताया है। आप इस धरती से लेकर, इस लोक से लेकर परलोक तक का सब कुछ बताया कि नहीं बताया? तीनों लोकों के बारे में बता दिया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया, आत्मा की पूरी 84 जन्मों की कहानी सुना दी, परमात्मा के रहस्य सुना दिए, कर्म अकर्म विकर्म बता दिए, पाप पुण्य उनके परिणाम बता दिए, धर्म अधर्म बता दिए, कर्म विकर्म सुकर्म बता दिया। कोई छोड़ा क्या? बताइए किधर से भी ये सृष्टि क्या है, सब कुछ तो हमें पता है। अगर उसने कई कसर छोड़ी है कि ये कसर छोड़ दी ये भी बता दे, पूरा कोर्स कंप्लीट है, सब कुछ बताया है। और वंडरफुल बात ये है कि जाते जाते पेपर भी आउट कर गया है, जाते जाते टफ से टफ जो एग्जाम आने वाला है वो भी आउट है हमारे सामने। आप सोचिए परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जाए और उसके बाद भी मैं फेल हो जाऊं तो कैसी स्टूडेंट हो? इसका मतलब मेरी तैयारी नहीं है, इसलिए मैं फेल हूं। या तो मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं सुनी। अब पेपर आउट है हमारे सामने, सब आउट है। ऐसा ऐसा समय आएगा, अनजान थे क्या हम या पता था हमें? अनजान थे या पता था? परिस्थितियां सुधरेगी नहीं और ज्यादा, पता है, पता है। फिर बच्चे इन आंखों से जो कुछ देखते हो, कितनी बार ये पेपर आउट किया है बाबा ने, कितनी बार, इन आंखों से जो कुछ देखते हो इस देह के साथ साथ वो सब क्या हो जाएगा? पेपर आउट है। और जब वो खत्म होने को आता है तो मैं अपनी परीक्षा में कितना खरी उतरती हूं, तब क्या मैं स्थिर प्रज्ञ रह पाती हूं?
मेरे को भाई जी बता रहे थे कि यहां से भी कोरोना काल में कुछ लोग चले गए, मेरी भी खुद की सिस्टर गई मेरे से छोटी। थोड़ा सा कुछ पल होता है जब थोड़ा सा हल्का सा हलचल आया, छोटी थी, प्यारी थी, सेंटर इंचार्ज थी, 45 डेज लड़ी, चली गई। थोड़ा सा तो होगा, लेकिन सबने पूछा मन की स्थिति कैसी है। ऐसे टाइम पर बाबा का जो ज्ञान है वो बल बनकर काम करता है, ताकत बनकर काम करता है। अगर मैंने ज्ञान को ठीक से सुना है, मुरलियों का बहुत गहन अध्ययन किया है, मेरे पास पावरफुल पॉइंट्स नोट में है, वो बहुत मन को सपोर्ट करती है, सहारा देती है। और एक प्रकृति का नियम है, किसी का कितना भी प्रियजन चला जाए, कुछ समय तो हलचल रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद समय ही मरहम बन जाता है। समय ही मरहम बन करके उसको भुला करके आगे का रास्ता दिखा देता है। वो फिर से अपनी लाइफ में एंजॉय हो जाता है, अपने जीवन में बिजी हो जाता है, पीछे को भूल जाता है। ये नियम है प्रकृति का, समय का, हम सबने देखा होगा। लेकिन अब मुझे समय रहते आने वाले वक्त की तैयारी करनी है। समय रहते मुझे फेल नहीं होना है, या फेल होने के चांस है, क्या कहते हो? देखो, जाना तो सबको है, बस इतना अंतर है, कोई दो दिन पहले जाएगा और कोई, तो जाने की तैयारी बढ़िया से कर ले हम अपनी। जब हम इस धरा से जाएं, एक संतुष्ट आत्मा बनकर, भरपूर होकर, मुस्कुराते हुए उड़ान भरे, मुस्कुराते हुए। लोग मृत्यु से डरते हैं, बाबा ने कहा बाबा के बच्चों की मृत्यु नहीं, मुक्ति होगी। और मुक्ति के लिए हम सारी उम्र कामनाएं करते, हमारी मुक्ति हो, मोक्ष मिले, उसके लिए हम क्या क्या कर्म कांड करते, सब चाहते मुक्ति मोक्ष। मृत्यु किसकी होगी? जो आत्मा बंधनों में बंधी होगी, वो छूटना चाहेगी लेकिन छूट नहीं पाएगी अंत समय में, चाहे वो विकारों के बंधन हो, मोह ममत्व के बंधन हो, लोभ लालच के बंधन हो, कमी कमजोरियों के बंधन हो, वो आत्मा को जकड़ लेगी। वो निकलना चाहेगी पर ये बंधन उसे बांधे रखेंगे, निकलने नहीं देंगे, वो होगी मृत्यु। और जो आत्मा निर्बंधन होगी, वो उड़ान भरेगी, मुक्ति का सुख लेगी। और मुक्ति का सुख ऐसा है कि जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक बहुत बड़े डॉक्टर विदेश में, उन्होंने रिसर्च किया कम से कम 1000 लोगों के ऊपर जिन्हें मृत्यु हो गई, शरीर छूटा, 5-10 मिनट में वो पुनः वापस आए, जीवित हो गए। 5-10 मिनट का पीरियड उनके लिए क्या था जब वो शरीर से बाहर थे? डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि फिनिश, खत्म। लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो पुनर्जीवित हो गए। तो जो 5-10 मिनट का जो अंतराल था, उसका एक्सपीरियंस पूछा गया, कैसा लगा? बहुत कम लोग थे जिन्होंने बड़ा सुखद अनुभव सुनाया कि जब हम इस देह से, इस तन से निकले तो एक झटका लगा, हमको महसूस हुआ कि हम अपने शरीर से कहां बाहर आ गए, हमने घुसने की बहुत कोशिश की लेकिन हम घुस नहीं पाए उस शरीर में। और फिर हमने एक उड़ान भरी, और ऐसी उड़ान थी वो कि इतना आनंद था उस उड़ान में, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वो सुख, वो आनंद, वो शांति बढ़ती जा रही थी, जो हमने इस जीवन में कभी फील नहीं की, ऐसी शांति, ऐसा आनंद था वो। उन्होंने एक प्रकाश देखा,
और जब वो उस प्रकाश के समक्ष गए, खाली प्रकाश देखा और कुछ नहीं देखा, तो उन्हें ऐसा लगा नीचे की दुनिया तो कीड़े मकोड़ों की दुनिया है। क्या दुनिया है नीचे की, ऊपर की दुनिया कितनी सुख भरी दुनिया है, कितनी आनंद की दुनिया है। तो नीचे आने की उनको इच्छा नहीं हो रही थी जैसे, परंतु एक झटका लगा और पुनः वो अपने शरीर में थे। ये कुछ आत्माओं का 40% व्यक्तियों का ये अनुभव था। लेकिन पर 60% लोगों का कहना था, बड़े दुखी हो गए हम शरीर से निकल के, हम बार बार उसके चारों तरफ घूम रहे, कैसे जाइए, मेरा शरीर है। और फिर एक ऐसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए जहां रास्ता ही नहीं था कुछ दिखाई देने का, कहां जाए किधर जाए, एक अंधेरी गुफा, भयानक आवाज, ड्रावनी, छूट रहे जैसे, किधर जाए कोई रास्ता ही नहीं, जिसको कहते भटकाव की स्थिति। एक अंधेरा, एक गुफा जिसमें भटकाव की स्थिति, रास्ता मिल नहीं रहा। कुछ लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस थे। अब आप समझ ही गए होंगे जिन्होंने उड़ान भरी वो कौन थे और जो भटके वो कौन थे। जिन्होंने उड़ान भरी वो कौन थे, पुण्य आत्माएं थी। कुछ ना कुछ उनके पास पुण्यों का, दुआओं का बल था। आत्मा कई हद तक निर्बंधन थी, लेकिन जो बंधन में आत्मा थी, विकारों के वशीभूत थी, पाप की परसेंटेज ज्यादा थी, वो आत्माओं को कौन सी स्थिति को प्राप्त करना पड़ा, भटकाव। उनको भय को झेलना पड़ा, उनकी हुई मृत्यु। इसे कहते हैं मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद की भी जो ऊंची चीज है मुक्ति, वो हमें बाबा देने आया है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। आत्मा भटके नहीं, आत्मा निर्बंधन हो जाए, आत्मा सुख पाए, और जब जाए तो मुस्कुराते हुए उस आनंद का भरपूर इंजॉय करे, लाभ ले, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है। मृत्यु के बाद वो मेरा हक बनता है उसको एंजॉय करना। जब मैं जाऊं तो मुंह लटका के शर्मिंदा होके बाबा के सामने नहीं जाऊं, बल्कि सर उठा के जाऊं, ऐसा तो कुछ करके जाऊं कि एक बार तो खुद धर्मराज भी सल्यूट करे कि धरती से आया है तो कुछ करके आया है। ऐसे नहीं आ गया लूट पिट के ना, पुण्यों की झोली भर के, दुआओं की दौलत भर के, कुछ ऐसे कर्म करके जाऊं कि वो भी ताली बजाए मेरे आने पर, तेरी इंतजार थी मुझे। ऊपर वाले को भी इंतजार हो तो नीचे वाले भी आह्वान करे, ऐसा मेरा एटीट्यूड हो, ऐसा मेरा व्यक्तित्व हो। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए अब हमारे पास समय नहीं है। पता नहीं हम यहां दोबारा भी आ पाएंगे कि नहीं। फाइनल कॉल है, माननी है मानिए, नहीं माननी कोई प्रॉब्लम नहीं, भाग्य ड्रामा, लेकिन ये फाइनल कॉल है, करना है तो कर लीजिए, आगे वक्त नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे कि हम भाग्य बना ले, परंतु सिचुएशन ऐसी होगी, टू लेट भाई जी, बड़ी देर कर दी। हम चाहेंगे हम योग करें, परंतु स्थिति परिस्थिति ऐसी होगी, नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा, चाहकर भी नहीं हो पाएगा। समय जवाब दे देगा। इसीलिए जो हमें कुछ क्षण मिले हैं बड़ी रिक्वेस्ट पर, आपको पता हो जब सेकंड लहर आई कोरोना की, कितने फोन लेटर्स अपने बीके भाई बहनों के आते थे, समाधान के लिए भी आते थे, आप रिक्वेस्ट कीजिए बाबा को, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम अभी रेडी नहीं है, ये बाबा को बोलो रोके। पर आप सोचिए, अभी तो डमरू को हाथ लगाया था कि
केवल, और जिस दिन उठा के बजाना शुरू कर देगा ना, उस दिन समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा, किधर हो रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा। केवल हाथ लगाया तो ये हाल हो गया, और जब उठा के डम 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 शुरू होगा तब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये सब। इससे पहले मैं रूहानी आर्मी हूं, मुझे अपनी हक अदाई करनी है, फर्ज अदाई करनी है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए तैयार होना है, उन्हें वहां का रास्ता बताना है, उन्हें भटकने से बचाना है, अब मेरा रोल शुरू होगा। तो रूहानी आर्मी को भी तो तैयार होना है ना। अभी वर्ल्ड वार के चांसेस बन रहे, सब अपने हथियार वथियार सब चेक कर रहे, रिपेयर कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम कौन सी आर्मी है, हमें क्या करना चाहिए, सो जाएं पढ़ के, अलबेले रहे, जैसा चल रहा वैसे ही चलते रहे, तो फिर हार सुनिश्चित है, जीत नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहां से स्ट्रांग होना है। सबसे पहली बात कहां से, मन से स्ट्रांग होना है। अब चाहे हालात कैसे भी हों, होंगे, क्योंकि मार्च महीना चल रहा है और मार्च महीना क्लोजिंग का होता है, संगम युग पर भी हमें यूं समझ लीजिए कि मार्च महीने में प्रवेश कर गए हैं, हर आत्मा की क्लोजिंग होगी। हमारे ही 63 जन्मों के हिसाब किताब हमारे क्लोजिंग करेंगे। कभी बैड पीरियड हमारे सामने से निकलेगा तो कभी अच्छा भी निकलेगा। अच्छे को देखकर अलबेला ना हो और बैड को देखकर घबराए नहीं। मन हर हाल में अब योगी तू आत्मा वाला होना चाहिए, चाहे हार हो चाहे जीत, चाहे मान हो या अपमान, चाहे लाभ हो या हानि, पर यहां से मैं कैसी रहूं, एक रस, ऐसे नहीं, एक रस। कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, मुझे अपने मन को स्ट्रांग रखना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे बस। ये मुझे अटेंशन रखना कि यहां मुझे इफेक्ट नहीं लाना, कुछ भी हो इधर इफेक्ट नहीं लाना है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, भगवान के, परमात्मा के, सर्वशक्तिवान के मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चों के लिए, होवनहार देवी देवताओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने मन को सुरक्षित रखना, हर हाल में सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए। सबसे बड़ी ताकत है ये मेरी, सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसे शक्तिशाली बनाने के लिए अभी से हमें उपाय करने हैं। लीकेज हो रहा है शक्तियों का। हम एक घंटा योग करते हैं, समझिए 1 किलोमीटर चले, व्यर्थ सोचा, गुस्सा किया, ईर्ष्या किया, परचिंतन किया, व्यर्थ चिंतन किया, व्यर्थ सोचा, 4 किलोमीटर पीछे चले गए। आए थे योग करके 1 किलोमीटर आगे, ये सब सोच के करके मन से हम कहां चले गए, 4 किलोमीटर पीछे, यानी कि 3 किलोमीटर का लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, शक्ति एनर्जी सब वेस्ट हो गई, योग तो कहां गया पता ही नहीं चला। तो पहली कंडीशन है हम मन का शुद्धिकरण करेंगे। मन का शुद्धिकरण होगा तब मन का सशक्तिकरण होगा। जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं तब तक सशक्तिकरण नहीं। और शुद्धिकरण है फॉरगिव फॉरगेट, सबसे बड़ा शुद्धिकरण क्षमा भाव, शुभ भाव। कल भी ये बात कही, आज भी बोल रहे, हम लोग भी इस पर प्रैक्टिस कर अपने फायदे के लिए, अपनी पुरुषार्थ की स्पीड के लिए,
अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए अपनी चित्त की एकाग्रता और शांति शक्ति के लिए, अपने मन की दिव्यता के लिए, अपनी मन की रक्षा के लिए, ये समय की डिमांड है। आज डिमांड कर रहा है समय योगी बच्चों से कि अब ये कर डालो, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो, मन ही मन सच्चे हृदय से। वैसे भी क्षमा दिव्य गुणों में एक गुण आता है और क्षमा अपने आप में बड़ा भारी गुण है, इसीलिए इसके लिए कहा गया है कि इसको कमजोर आत्माएं धारण नहीं कर सकती। क्षमा किसका आभूषण है, पढ़ा होगा ना आप सबने, किसका आभूषण है क्षमा, कौन इसको धारण कर सकता है जी? वीरों का आभूषण है, कमजोर इसको धारण, बड़ा भारी गुण है। इसे देवताएं धारण करते हैं, इसे भगवान धारण करता है, इसे साधारण आत्माएं उठा नहीं सकती, इतना भारी है। क्षमा करना, भगवान तुल्य काम करना, सोचिए। अब क्षमा एक अंग्रेज शब्द छोड़ गई, 200 साल पहले सॉरी, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी बात हो गई, सॉरी सॉरी, वो वाली सॉरी नहीं चलती यहां पर। क्षमा का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है क्षमा की? छींक आई तो सॉरी, पानी गिरा तो सॉरी, हाथ लगा तो सॉरी, ये वाली सॉरी नहीं, बड़ी हल्की है, बहुत हल्की है, कोई भी बोल सकता है। क्षमा, क्षमा का मतलब है भूलों को भूल जाना, जो दूसरों ने मेरे साथ भूले की है, गड़बड़ की है, उनको भूल जाना मतलब क्षमा कर दिया। अगर मैंने एक तरफ तो बोला कि ठीक है बहन जी ने आज क्लास कराई, देखो इसने मेरा दिल तो बड़ा दुखाया है, पर बहन जी ने क्लास कराई, चल मैंने माफ कर दिया इसको, लेकिन यहां से बाहर निकले मुख सामने देखा जिसको माफ किया, और फिर मन में हजार संकल्प चलने लगे, ठीक है माफ किया, कर दूंगी, दुआएं भी दूंगी, लेकिन लेकिन इसने जो जो किया है ना, मैं बता नहीं सकती, इसने मेरा जीवन नरक बना दिया। हम दो को सुना रहे, चार को सुना रहे, वैसे मैंने उसे माफ कर दिया, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, फिर ये भी बोल रहे हैं कि मैंने उसे माफ कर दिया, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या मैंने उसे माफ कर दिया, हाँ या ना, मैंने उन्हें माफ कर दिया। माफ उस दिन करूंगी कि उनकी भूलों को मैं भूल गई, ना मेरे मन चित्त में है, ना मेरे मुख पर है, ना मेरे परचिंतन में है, भूल गई। हमारी बड़ी दादी जी की एक विशेषता थी, वो क्षमा में बड़ा विश्वास रखती थी, उनसे छोटे भी अगर उनसे नाराज हो जाते थे तो दादी सामने से जाके बोलती थी, माफ करो भैया कोई बात गलत लग गई, तो छोटे इतने शर्मा जाते थे कि दादी हमसे माफी मांग रही है, कहती ले मेरे घर में अगर, बाबा के घर में अगर शांति होती है क्षमा मांगने से, तो मेरी साड़ी कौन सी मैली हो रही क्षमा मांगने में, मांग लेनी चाहिए ना, कौन सी मेरी साड़ी गंदी हो जाती है क्षमा मांगने में, कितने बड़े विचार से माफी मांग रही है, किस लिए? शांति हो जाए, शांति हो जाए। तो भूलों को भूल जाना, और देखिए एक मनुष्य आत्मा की नेचर है, क्या नेचर है उसकी, मैं नहीं चाहती, अलार्म बज रहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी भूलों को अपने दिल पर रखे, मैं ये चाहती मेरी अच्छी अच्छी बात तो सब याद करे, लेकिन अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई ना, मैं नहीं चाहती कि आप उसे याद रखो,
इसीलिए देख लिए कोई मेरे से गलती हो गई और वो मुझे रियलाइज हो गई तो मैं आपसे कहूंगी सॉरी भैया मेरे से गलती हो गई, मैं मानती हूं मेरी गलती है, आप दिल पे मत लेना ये बात। क्या अपेक्षा रहती है मेरी की दिल पे मत लेना ये बात। भगवान से भी मैंने आज तक यही कहा, हां भगवान जी मैं मानती हूं, हाथ जोड़ के सर झुका के बोला मैं मानती हूं मेरे में अवगुण है, कमियां है, विकार है। फिर मैं बड़े रिक्वेस्ट से उसे कहती हूं प्रभु जी मेरे अब गुण चित्त ना धरो, है मेरे अंदर नो डाउट, मैं स्वीकार कर रही हूं, मैं मान रही हूं मेरे अंदर है, परंतु तुम क्या नहीं करना, मेरी कमी कमजोरियों को मेरे अवगुणों को चित्त ना धरना। बोलती हूं कि नहीं बोलती हूं, मेरे अंदर से ये हर एक की अपेक्षा है, मेरी अच्छाई तो सब जाने लेकिन मेरी कमी कमजोरी कोई ना बात करे ना चित्त धरे। प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल है ऐसा है, हा या ना। जब मेरी खुद की ये अपेक्षा है तो अब मैं क्यों ना इस काम को प्रैक्टिकल करूं औरों के लिए। गलती उसकी, कमी उसकी, मंदिर जैसे मन में उसको जगह दे दी गंदगी को, जहां भगवान का प्रेम का वास होना चाहिए था, जहां भगवान की शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए था, वहां मैंने दूसरों की गंदगियों को स्थान दे दिया अपने मन में। तो क्या यह बुद्धिमता है, इसे करना है। आज अगर मेरे मन में लोभ लालच है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध बदले का भाव है, नफरत है, बड़े रॉयल रूप से नहीं होंगे पर सूक्ष्म से होंगे, जिसको हम कहते थे हिसाब किताब है इसका मेरा, अब इस हिसाब किताब को मुझे काटना है, बड़ी बुद्धिमता से काटना है। कैसे काटेंगे, हिसाब किताब है और हिसाब किताब जब होता है कार्मिक अकाउंट नेगेटिव होता है, कहीं ना कहीं पनिशमेंट सजा मिलती है उसकी, लेकिन सजा का एक तोड़ है और वो है क्षमा, उसका एक तोड़ क्षमा है। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, कुछ कैदी लोग होते हैं जो लंबा समय से जेल में रह रहे हैं, उन्हें अपनी गलती थोड़ी रियलाइज हो गई है, सुधार हो गया उनके व्यक्तित्व में, तो वो भी राष्ट्रपति को इन दिनों में क्षमा याचना का एक लेटर भेजते हैं और किसी किसी की क्षमा याचना स्वीकार हो जाती है, और जिसकी क्षमा याचना स्वीकार हो जाती है उसकी सजा खत्म। लेकिन सुधार की सर्टिफिकेट चाहिए, क्षमा याचना तब सुधार का सर्टिफिकेट हो तब आपको क्षमा याचना मिलेगी। तो जो भूले मुझसे हो गई, सबसे पहले इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने में या अनजाने में, मनोविकारों के वश जो भी भूले हो गई है उन्हें सबसे पहले मुझे स्वीकार करना है, बचना नहीं है उनसे, अपना दोष दूसरों पे नहीं रखना है, वो दोष मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है। और शुभ मुहूर्त में, वरदानी वेला में, भोलेनाथ के सामने जब 24 घंटे में एक बार केवल वह भोलेनाथ का रूप धारण करता है, और 24 घंटे में एक ही वक्त होता है जब वो सिर्फ देने के लिए बैठता है, जो मर्जी ले लो उसका कमिटमेंट है सिर्फ देना, भोलेनाथ का रूप होता है, देने के लिए बैठता है, शुभ मुहूर्त होता है, वरदानी वेला होती है, अमृत वेला। बाबा ने कहा वैसे तो भूलों की क्षमा नहीं मिलती, जो करेगा वो भरेगा, या तो योग बल से काट लो या भोगना ही है, लेकिन ये भगवान के महावाक्य है कि यदि तुम भूलों की भी क्षमा लेना चाहते हो तो अमरनाथ के सामने बैठकर
अपनी भूलों को स्वीकार करके, दृढ़ संकल्प करके कि ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, तो क्षमा मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है, कई साल योग करने के बाद जो पाप कटेगा वो केवल 3 मास स्मृत वेले दृढ़ संकल्प के साथ क्षमा याचना कर लीजिए भोलेनाथ से, वो कट जाएगा। प्रकृति भी माफ कर देगी, भगवान भी माफ कर देगा, आत्मा उस पाप से मुक्त हो जाएगी, निर्बंधन हो जाएगी, मुक्ति की अगली स्टेज पर जाएगी। तो सबसे पहले तो माफी मांगेंगे, जो भी हुई वो मुझे याद नहीं है, इस जन्म में जो याद है लेकिन पूर्व जन्म में जो भी हुई हो सर झुकाकर मैं क्षमा मांगती हूं और ये दृढ़ संकल्प करती हूं कि अपने मन वचन कर्म और व्यवहार से अब मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगी, दुख नहीं दूंगी। और ये पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ आज से, अब से, अभी से मुझे करना है। विशेष 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 अटेंशन रखना है कि अब मुझे मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी से कोई नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना। आगे वक्त नहीं मिलेगा मुझे, मोटी मोटी गांठें हैं मेरी बंधनों की, वो अभी तक खुली नहीं है, और नहीं अगर मैंने बना ली तो ना मेरे पास ताकत है, शक्ति है, ना समय है, उन्हें धर्मराज ही खोलेगा। फिर कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं। इसीलिए कस के कुछ भी हो जाए, कभी कहते हैं सिचुएशन ऐसी आ जाती है हम राइट होते हैं, होगा यही चैलेंज है ब्राह्मण बच्चों के लिए, हम टोटली राइट होंगे लेकिन रोंग ठोक के जाएगा। लेकिन रोंग से भी खुद को बचा लेना, ये हमारी समझदारी होगी, ये बुद्धिमता होगी, ये समय हमसे चाहेगा, ये भगवान हमारी बुद्धिमता की परीक्षा लेगा। ऐसे थोड़े ही ना समझो के हाथ में विश्व की बागडोर सौंप देगा, दिमाग वाले चाहिए उसको। एक बार मैं और मेरा भाई हम झगड़ा कर रहे थे किसी बात को लेकर के, खूब फाइट हुई हमारी, मुंह से बहस, एक दूसरे को बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हमारे फादर ने सुन लिया, क्या हो रहा है भाई, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तो वो अपनी सफाई दे रहा, मैं अपनी सफाई दे रही हूं, वो दे रहा मैं अपनी दे रही हूं। कहते वो कह रहा मैं राइट हूं, मैं कहती मैं राइट हूं। कहते तुम दोनों गलत हो। क्यों भाई? हम तर्क संगत बता रहे कि हम सही है, हम प्रूफ सहित बता रहे हम सही है। बोला तुम सबसे ज्यादा गलत हो। हमें यह देखना है कि हम सतयुग में नहीं चल रहे हैं, हम द्वापर में भी नहीं है, हम कलयुग के अंत में पहुंच चुके हैं, यहां सब गलत है, 99% गलत है, यहां सत्य दिया लेके भी ढूंढने से नहीं मिलता है, कि नहीं? गलत 99% है, यहां मुझे कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, वो भी मुझे आना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा क्या दोष है इसमें? देखो, उन्होंने बहुत सीधी सिंपल बात बताई, आप सड़क पर जा रही हो ऑन द वे, अपनी राइट साइड चल रही हो, बिल्कुल ठीक चल रही हो, जहां चलना चाहिए राइट साइड वहीं चल रहे हो, लेकिन रॉन्ग साइड से ट्रक आ गया आपके सामने गलत वे पर, और आप चिल्लाए जा रहे हो आई एम राइट, ट्रक गलत है, ट्रक गलत है, ये बिल्कुल गलत आ रहा है, ये बिल्कुल गलत आ रहा है। थोड़ी देर में क्या होगा, क्या होगा? आप राइट है, 100% आप राइट है, राइट साइड पर है, परंतु थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, चिल्लाने से कुछ होगा? थोड़ी देर में वो हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट। ये कलयुग है भाई, ठीक ठाक को भी ठोक के जाते हैं। मैं ठीक हूं, मैं अपनी राइट साइड चल रही हूं, ट्रक सामने है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, बुद्धिमता इसी में, मैं अपनी साइड चली, थोड़ी और साइड हो जाओ,
अगर मैंने ये हुनर सीख लिया कि मैं अपनी साइड चल रही हूं, आई एम राइट, लेकिन सामने वाला रोंग है, मुझे थोड़ा सा और साइड हो जाना चाहिए, जिसको बाबा कहते बच्चे न्यारा होकर आगे निकल ले, प्यार अपने आप मिलेगा। अब मुझे अपनी साइड तलाशनी है, ठुकना नहीं है, राइट साइड पे भी ठोकने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर मैं ठुक गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ये मेरी बुद्धिमता नहीं है, मैं रोंग हूं राइट होते हुए भी। अंडरस्टैंड, इस तरह से चलना है, रोंग के बीच में राइट साइड लेनी है मुझे, और उस साइड में से और साइड निकालनी है, तब मैं बच पाऊंगी, नहीं तो आप चिल्लाते रहो, चिल्लाते ही रह जाओगे, पता चलेगा खाली आते चोट वैसे लग गई, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा तुम राइट हो कि रोंग हो, कोई भी नहीं सुनेगा। इसीलिए अपना जीवन अपने अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार जिए, उन्हें लेकर के चले। तो शुद्धिकरण का मतलब है सच्चे हृदय से, बस यूं समझ लीजिए कि समय नजदीक है, मुझे जाना है, सब कुछ यही छोड़कर जाना है, कुछ अच्छी चीजें लेकर जाना है, ये नफरत, ये बदले का भाव, ये क्रोध, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये झूठा अभिमान, ये तेरा मेरा, सब छोड़ के चलना है। इसीलिए सबसे माफी मांगी, भगवान से माफी मांग, करुण आत्माओं से माफी मांगी, ये सबसे पहले, क्योंकि देखिए पहले इन्वेस्ट कीजिए फिर मिलेगा, आध्यात्मिकता का ये नियम है, पहले दीजिए फिर लीजिए, पहले दो फिर लो। एक बिजनेसमैन का भी एक नियम है, बड़े से बड़ा शोरूम बना के रख ले, लेकिन उसमें सामान नहीं भरे तो उसकी कमाई नहीं होगी, पहले उसे जेब से इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, और फिर क्या होता है, फिर कमाई होती है, फिर लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे, सामान खरीदेंगे, बचत होगी, कमाई होगी, लेकिन इन्वेस्ट पहले करना पड़ेगा कमाई करने के लिए, कमाई करने के लिए पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्षमा लेने के लिए पहले क्षमा देना पड़ेगा। जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, कुछ षड्यंत्र किया, धोखा दिया, कष्ट दिया, तकलीफ दी, विरोध किया, अपमान किया, नाम खराब किया, विश्वासघात किया, टेंशन दिया, कुछ भी मेरे साथ किसी ने गलत किया, इस जन्म में किया चाहे पूर्व जन्म में किया, बड़े शांत मन से, स्वइच्छा से, क्योंकि क्षमा मेरे कहने से नहीं देना, दिल की इच्छा से देना, वही क्षमा कबूल होगी जो स्व इच्छा से दी जाएगी। उन आत्माओं को हम संकल्प से जुड़ेंगे, आपको पता हो हमारा माइंड यूनिवर्स माइंड भी बन जाता है, हम यहां बैठे जिससे चाहे एक साथ जुड़ सकते हैं, अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी से जुड़ सकते हैं। तो जिनसे भी मेरे कड़े हिसाब किताब हैं, उन आत्माओं से हम संकल्प से जुड़ेंगे, और मन की बात मन तक भेजेंगे, मन की बात उनके मन तक भेजेंगे, जिनसे भी कड़े हिसाब किताब हैं, मैं उनसे क्षमा याचना करती हूं। बाबा साक्षी रहेगा बीच में, बाबा को सामने रख करके सच्चे हृदय से मैं उनसे माफी मांगती हूं, हे आत्माओं मुझे माफ करो, माफ करो, माफ करो। मैं बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प करती हूं कि आगे से कुछ भी भूल मेरे से नहीं होगी, ना मन में किसी के लिए अशुभ बुरा सोचूंगी, ना मुख से किसी को कड़वा अपमानित करने वाला बोल बोलूंगी, ना व्यवहार किसी के साथ गलत करूंगी, ना कर्मों में बेईमानी होगी, टोटली ऑनेस्टी। अगर ये कंडीशन है तो फिर क्षमा आत्माओं की, प्रकृति की और परमात्मा की, तीनों की एक साथ मिलेगी,
और यदि गड़बड़ है तो याचिका स्वीकार नहीं होगी, ये स्वीकार नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और स्वीकार करना बहुत जरूरी है समय को देखते हुए, हमसे नहीं कट पा रहे भाई, एक ही उपाय बचता है कि स्वीकार करा लो, कंडीशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, मेरे ही फेवर में है। तो इस प्रकार की कंडीशन रखते हुए हम क्षमा याचना करेंगे। और फिर जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है उनसे तो मैंने माफी मांग ली है, पर मैंने जिनको कष्ट दिया है उनसे भी माफी मांगनी है। जिन्होंने मुझे दिया उनको मैंने माफ किया, उनको भी माफ करना है, हर हालत में माफ करना है। कुछ भी यहां ना रहे, केवल दुआएं, केवल शुभ भाव, जब भी उनका चेहरा सामने आए ना, मान लो कोई परम मित्र है हमारा जो हमारे जीवन में विघ्न पैदा कर रहा है, समस्याएं पैदा कर रहा है, आप ये उपाय ना आजमा के देखिए, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा। मिले हैं पूरे भारत से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उसको माफ करना, भगवान के हवाले कर देना, या जैसी भी आत्मा है, बाबा मैं तुम्हें अर्पण करता हूं, तुम जानो इसके कर्म जाने, ड्रामा जाने, मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ मैं इसको दुआएं दे सकता हूं, इसका भला हो, कल्याण हो, इसे सदविवेक प्राप्त हो, ये भी सुख पाए, बाबा को सौंप दो, अच्छा अच्छा सोचो उसके लिए, दुआएं दो। और मिरेकल ये हुआ, मैंने सुनाया भी था पहले भी, कि जो बड़े कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे, उनमें से एक ने अपने आप को पॉजिटिव किया, एक ने ये प्रयोग चालू किया, तो क्या हुआ, जिसने प्रयोग चालू किया वो बहुत बीमार हो गया, एडमिट हुआ, तो जो उसका कट्टर शत्रु था, जो उससे बिल्कुल बात नहीं करता था, हर वक्त उसको गिराने की सोचता था, उसमें इतना बड़ा चेंज आया कि उसकी सेवा सबसे ज्यादा उस भाई ने की, और आज वो बेस्ट फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, इतने जिगरे दोस्त बन गए केवल क्षमा के प्रयोग से, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, विरोधी सहयोगी बन गए। ऐसे ऐसे केस है, आपको सुनाया हो, पता हो कि आसाम में एक माता थी, 11 साल से डिप्रेशन में थी, उसका इलाज चल रहा था, डिप्रेशन फोर्थ लेवल का, यानी कि बात करने का भी तरीका नहीं, मुंह से पानी गिर रहा, बाल बिखरे हुए, आधी पागल। उसे लाया गया भाई जी के पास, बहुत साल पहले की बात है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डिप्रेशन खत्म कर देते, तनाव खत्म कर देते, तो वो लेकर आए। लकीली उसका कोई पूर्व का पुण्य था कि भाई जी उस समय वहां थे, तो बहन जी ने कहा कि ये तो बात करने की भी हालत में नहीं ही है, कहा 11 साल का डिप्रेशन है, बहुत पैसा खर्च कर लिया, और आज घर में इसकी वजह से इतना टेंशन है, क्योंकि वो कुछ भी सामान उठा के फेंकती है, बच्चे को मारती है, कुछ भी करती है, ज्यादा से ज्यादा समय उसको सुलाए रखते हैं, पिल्स दे करके या इंजेक्शन दे करके सोई रहती है, उठती है तो तोड़फोड़ शुरू कर देती है। अब जब उसे लेकर के आए तो वो बात करने के मूड में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे धीरे 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 हाथ में लिया, पकड़ा, बात की। अब उसकी काउंसलिंग करना जरूरी था कि 11 साल पहले इसके साथ क्या हुआ जो ये डिप्रेशन में पहुंच गए। तब उसने अपनी कहानी सुनाई, बड़ी देर में वो काउंसलिंग करते करते 11 साल पीछे गई। तब बताया कि मेरे को 3 बेटी है और चौथा बच्चा जब आने वाला था, गर्भ में था, तब मेरी भूख, शांति सब खत्म, इरिटेशन रहने लगी, एक अजीब सी लगा। वो बच्चा बेटा बनकर पैदा हुआ, फर्स्ट टाइम जब बेटे का मुंह उस माता को दिखाया तो उसको उसको देख लोग
गए, इतना उसको गुस्सा आया कि उसका हाथ जो है उसके गले पे गया उसको दबाने के लिए, मारने के लिए। अभी वो आधा घंटे का बच्चा है। अब आप ये बताइए कि क्या था इन दोनों का आपस में। आधा घंटा हुआ उसे पैदा हुए और उसका मन कर रहा है कि मैं इसको गला दबा के मार डालूं, खत्म कर दूं इसको। बेटा है उसका, पहली तीन बेटी है, इतना चाहिए था मां को, गले लगाती, खुशी से प्यार करती, लेकिन मारने की इच्छा पैदा हो रही है उसको, इसको मैं खत्म करूं। यह है कि पूर्व जन्म में इन दोनों आत्माओं की क्लोजिंग बैड हुई थी, गुड क्लोजिंग नहीं थी। कुछ तो दोनों के बीच में ऐसी दुश्मनी थी जो आधी अधूरी रह गई। ये इधर जन्मी और कर्म गति देखिए, जब कर्म गति आड़े आती है तो किस किस तरीके से आती है। कर्म गति इस तरह के से आड़े आई कि बेटा बनकर जन्मा दुश्मनी निकालने के लिए। यह है कर्म गति की गहन गति। बेटा बन के पैदा हुआ, आप सोचिए, ना दूर रह सकती ना पास रह सकती, कितनी बड़ी विडंबना है। किस तरह से कर्म जब आड़े आते हैं, किस तरह से वो अपना लेन देन करते हैं, सोचिए। अब 11 साल में वो कितनी बार ये प्रयास कर चुकी है उसको मारने का। तो जो उसके रिलेटिव हैं, उसके अपने हैं, रिश्ते नाते वाले उसको धिक्कारते हैं, तो कैसी मां है। कलयुग में भी ऐसी कुमाता नहीं होती, अपनी कोख से जन्मी संतान को मार रही है तू। और जब जब उसको मारने का प्रयास किया, विफल हुई, सुनने को मिला उसका डिप्रेशन का अटैक आया। डॉक्टर इलाज कर रही है ब्रेन का। बताइए, ब्रेन में कोई बीमारी है क्या? जिसका इलाज होना चाहिए वहां तक वो पहुंचे ही नहीं। और ब्रेन का भी क्या इलाज कर रहे हैं, लंबा समय सुलाए रखते हैं, 6-8 घंटा पढ़ के सोई रहे, और जब उठती हो तो वो ब्रेन दिनों दिन डल होता जा रहा है, तोड़फोड़ शुरू कर देती है। 11 साल में 11 डॉक्टर बदल लिए, कोई भी ट्रीटमेंट उसको ठीक नहीं कर पाई। अब भाई जी को समझ में आ गया कि काम कहां से करना है। बोला, देखिए, ये पूर्व जन्म का लेना देना है, दोनों का हिसाब किताब है, वो लेने के लिए आया है। विडंबना यह है कि बेटा बन के आया है। अब एक उपाय है जो इस हिसाब किताब को क्लियर कर सकता है। तो उसका हस्बैंड ने बोला, कौन सा उपाय, कि अपनी वाइफ को कहो जब वो सोया हो, अभी वो 11 साल का हो गया बच्चा, उसका अंतर्मन जगा हो, तब उसके पास जाए, पॉसिबल हो सके तो सर पे हाथ रखे, नहीं तो थोड़ा ऊपर रखे, और उससे फॉरगिव करे, माफी मांगो। पूर्व जन्म में तेरा मेरा जो भी रहा हो, मैं तेरे से क्षमा मांगती हूं, तुझे माफ भी करती हूं। सच्चे हृदय से कराओ। और तुम जैसे अपने बेटे को देखना चाहती हो, क्या कल्पना थी, बड़ा होकर ऐसा बने, वैसा ही पॉजिटिव शुभ भाव दुआएं इस बच्चे के लिए रखो। 10 दुआएं देना क्षमा मांगने के बाद, क्षमा करने के बाद, दोनों ही काम करना, मांगना भी क्षमा करना भी, और फिर उसको दुआएं देना, तुम मेरे कुल के दीपक हो, तुम बहुत अच्छे हो, बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो, ऐसे ऐसे उसको बहुत दुआएं देना। तो उसने कहा, देखूंगा ये, क्योंकि वो 4th स्टेज में थी, ये करेगी कि नहीं करेगी मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा। लेकिन अब उसका लक काम कर रहा था, उसके पुण्य काम कर रहे थे, जाकर। और आपको विश्वास नहीं होगा, 11 साल में पहली रात थी वो 6-6 नींद की गोली लेके सोती थी। 11 साल में पहली रात थी जब वो बिना नींद की गोली लिए सो गई, उसको नींद आ गई। पहली रात उसको गोलियां नहीं लेनी पड़ी। तो ये गुड न्यूज तो बताया कि आज वो बिना मेडिसिन के सो गई है, उसने माफी मांगी भी है, माफ किया भी है, सुकून है आज उसे, कुछ मन में सुकून है उसके। अब सीजन चल रहा था,
25 दिन के बाद, महीना 25 दिन के बाद वो माता शांतिवन में बाबा से मिलने आई, लेकर आए उसको। तो जब वो भाई जी के पास आई तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, अब वो डिप्रेशन वाला चेहरा नहीं था। फिर भी पूछा क्या हाल चाल है, तो उसने क्या बोला, 11 साल में 11 डॉक्टर बदले, 11 लाख से ज्यादा खर्च किए, मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, पर क्षमा याचना ने और दुआओं ने 11 साल के डिप्रेशन को 11 दिन में पूरी तरह क्योर कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बोला भाई जी अभी। और खुशखबरी ये कि अब उसको उसकी जॉब भी वापस मिली इतने सालों के बाद, आप सोचिए। और उसके युगल ने इस बात से खुश होकर के एक बहुत सुंदर मकान बाबा को गिफ्ट किया कि ताकि ऐसे लोग यहां आए और नया जीवन पाएं, तनाव टेंशन से दूर हो, इस प्रकार से उसने गिफ्ट किया। ये जीती जागती कहानी है उस बहन की। और सबसे बड़ी बात कि जो मां बेटों में कड़वाहट थी, कभी गले नहीं लगाया उसको, आज गले लगाती है, आज उसको बेटा बुलाती है, आज उसको प्यार करती है। डॉक्टर कोई कर पाता क्या ये काम? लेकिन किसने कर दिया? स्पिरिचुअलिटी ने कर दिया, आध्यात्मिकता ने कर दिया, क्षमा भाव और दुआओं ने कर दिया। तो जब हम सच्चे हृदय से, निष्ठा से ये काम करते हैं तो हमारे रिलेशंस में बहुत स्वीटनेस आ जाती है। लेकिन कंडीशन ये है, भूलों को भूल जाइए, यानी कि एक तरफ माफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ गंदगी है, वो नहीं आएगी। यहां से नीट एंड क्लीन कर दो मन को, है जिसके साथ जो कुछ हो रहा है, सत्यता ये है कि उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। आज नहीं तो कल के कोई ऐसे कर्म है जो मेरे आड़े आ रहे हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूं। तो इतनी करनी है, हो सकता है ये काम। अब देखिए दूसरा क्या करना है, अपने कार्मिक अकाउंट हल्के करने के लिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी करना है कुछ। जब हम कोई समझौता करते हैं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब हम आत्माओं से समझौता कर रहे हैं, क्षमा तो कर दिया, क्षमा क्या करेगा एक्चुअली, उग्रता को, जो मनों में उग्रता है, जन्म जन्म की आत्माओं में उग्रता भरी पड़ी है कर्मों के कारण, उससे उग्रता डाउन हो जाती है। आपने कभी नोट भी किया होगा, मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती कर दी और हमें गुस्सा आया कि इतना समझाया था इसको ये काम नहीं करना, लेकिन इसने ये काम कर दिया। और कभी कभी क्या होता है, हम हाथ भी उठा देते हैं और हमारा हाथ उठा बच्चे के ऊपर, उठा ही था कि उसने कान पकड़ के बोल दिया सॉरी सॉरी पापा सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद नहीं करूंगी ये काम। तो ये जो हाथ उठा था ये आगे बढ़ेगा कि नीचे जाएगा? समझ में आया क्या ताकत है क्षमा की? उग्रता को शांत करता है क्षमा। जो आत्माओं में उग्रता भरी है मेरे कुकर्मों के कारण, नेगेटिव कर्मों के कारण, वो उग्रता को क्या कर देगा? शांत कर देगा। अब उग्रता शांत हो गई, अब मुझे करना है कॉम्प्रोमाइज, कुछ लेन देन करना है उसके साथ में, समझौता हो रहा है ना कार्मिक अकाउंट का। अब मुझे लेन देन क्या करनी है, मुझे वो उसको देना है जो उसको चाहिए, और कंडीशन ये कि सच्चे हृदय से मुस्कुराते हुए देना है, दुआएं। किसको जरूरत नहीं है बताइए, कोई ऐसी आत्मा है जिसको इनकी जरूरत नहीं है? है या नहीं? चाहिए सबको। बाबा के महावाक्य है, बहुत सुंदर महावाक्य, डायरी में लिख के रख लेना आज। वो मैं खुशनसीब हूं जिस दिन ये वाणी चली थी मैं बाबा के सामने बैठी थी, बाबा ने
हटके, लहरी बाबा है ना, सागर है, लहरें चेंज होती है, तो कहते लहरी बाबा है, कौन सी लहर आ जाए कह नहीं सकते, हटके, मुरली से हटके लहर आई। लहर ये आई कि अगर कोई तुम्हें बिना वजह परेशान करे, बद्दुआ दे, उस समय परमात्म बच्चों का कर्तव्य क्या है उस आत्मा के लिए जो तुम्हें परेशान कर रहा है बिना वजह, बद्दुआ दे रहा है बिना वजह, पर तुम उससे परेशान हो भी रहे हो और बद्दुए लग भी सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से ही ज्यादा कार्मिक अकाउंट है, और ब्राह्मणों ने एक चीज धारण करी है जो बेमिसाल है, वो है पवित्रता। तो पवित्र आत्मा की दुआ भी लगती है, तो अब उससे बचने का उपाय उस परम शिक्षक ने, उस परम बुद्धिमान ने बताया कि उस समय परमात्म बच्चों का कर्तव्य क्या है, हमारी वैल्यू बढ़ाई थोड़ी पहले। अब देखिए उसकी बुद्धिमता को देखिए, उसने केवल बच्चे नहीं बोला, तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है ये नहीं बोला, क्या लगा दिया पहले, परमात्म। बच्चे भी बोल सकता था लेकिन परमात्म लगा करके हमारी वैल्यू बढ़ाई, हमारे कर्म करने की ताकत बढ़ाई। आपके प्रति तुम परमात्म बच्चों का कर्तव्य क्या है, अगर खाली बच्चे बोलता तो हम कुछ सोचते, हम ये कर दे हम वो कर दे, लेकिन परमात्म लगा दिया, अब हमें सोच समझ के बोलना है क्योंकि हम परमात्म बच्चे हैं, ऐसे वैसे नहीं है, इसलिए कर्म भी तो सोच समझ के होगा, अब ऐसा वैसा नहीं होगा। तो बाबा ने बहुत क्वेश्चन पूछे, क्या कर क्या है बताइए, क्या है क्या है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, सोच में पड़ गई, जो परेशान कर रहा है, जो बद्दुआ दे रहा है उस आत्मा के प्रति तुम परमात्म बच्चों का कर्तव्य क्या है, परमात्म शब्द जोड़ दिया, सब चुप हो गए, क्या बोलेगा पता नहीं बाबा। बाबा ने बोला तुम परमात्म बच्चों का कर्तव्य है उस आत्मा को बाप के हवाले करो, दिल से क्षमा करो, शुभ भाव रखो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी लास्ट में जो बड़ी शक्तिशाली तरीके से बाबा ने बोली, फिर बाप उसे देख लेगा। अब गलती क्या हो रही है, अब सोचिए कहां गलती हो रही है कि हम बाप को देखने के लिए टाइम नहीं दे रहे, हम खुद देख रहे हैं। जब हम खुद देखना शुरू करते हैं तो बाबा साक्षी हो जाता है। अब बाबा ने कहा बच्चे जितना मैं कह रहा हूं ना इतना तू कर बस, और बाकी मेरे पे छोड़ दे, मैं उसे देख लूंगा। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इन परमात्मा महावाक्यों में दम कितना है, एक बार अप्लाई जरूर कीजिएगा। और जब इसके सुंदर रिजल्ट मिलेंगे ना, तब हमारी निश्चय की जो प्रकाष्ठा होगी उसके ऊपर, उसे कोई हिला नहीं सकता। फिर एक बार अप्लाई जरूर कीजिएगा इन परमात्म महावाक्यों को। ये परमात्म महावाक्य है, पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो उनको काटने की शक्ति रखता हो। ये 100% सत्य थे, सत्य है, ना इसके आगे कुछ ना पीछे कुछ, ये सदा ही सत्य हैं। इसीलिए अपने मन की बहुत करके देख ली ना, तक ईर्ष्या करके देख ली, टांग खींच के देख ली, गुस्सा करके देख लिया, बदला लेके देख लिया, मौके पे चौका मार के देख लिया, अब एक रिक्वेस्ट है, अब वो करके देख लो जो वो चाहता है। हमें मौका दिया ना अपना करने का, हमने किया अपना, अब तो एक बार वो कर ले जो वो करना चाहता है, हमसे करवाना चाहता है। इतने सुंदर रिजल्ट्स मिले हैं इनके,
इतने सुंदर रिजल्ट मिले हैं कि मैं सुनाना शुरू कर दूं तो पूरा दिन पूरी रात बीत जाएंगे। इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जो चित्त में शांति होती है, फूल पैदा होता है, उससे जो हमारी लोकप्रियता बढ़ती है, अलग ही एक चीज होती है जो हमें खुद को महसूस होती है, हमें पता लगता है कि हमें क्या मिला है। ये सब करके कड़े कड़े रोगों में, बीमारियों में ये ठीक कराने के लिए क्षमा याचना का कराया और वो रोग कट गए। इसीलिए कट गए जो कट नहीं रहे थे, उसका सही ट्रीटमेंट मिल गया। तलाक होने वाले थे, एक ने, खाली एक पक्ष ने ये काम किया, उनका तलाक बच गया, घर बच गया। एक सेंटर पर 21 दिन ये प्रयोग किया, मुरली क्लास के बाद कमेंट्री से कराया गया। दिल्ली में मंडावली का एक सेंटर है, उन्होंने, उनके पास इतने 21 दिन में रिजल्ट आए, कितनी लंबी लिस्ट बनाकर लाए वो अनुभवों की, 21 दिन के अंदर इतने सुंदर रिजल्ट आए इसके। लेकिन अब सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब है एक्शन में आओ, एक्शन अप्लाई। अब ना सुनने का वक्त है ना सुनाने का वक्त है, अप्लाई कीजिए। जो सुना है उसको अप्लाई करें हम, तो रिजल्ट मिलेगा। तो दिल खोल करके दुआएं दीजिए सभी को। अच्छा, दूसरी बात, जिनसे हमारे कड़े कार्मिक अकाउंट है उनको तो उंगलियां दुआएं दे दी, लेकिन कड़े वाले भी तो है तो सही, लेकिन अच्छे वाले भी तो हैं, जिन्होंने हमें बहुत मदद की है, प्यार किया है, साथ दिया है, सहयोग दिया है, हमारे लिए कुर्बानियां दी है, ऐसे भी तो हैं, इस जन्म के भी हैं, पूर्व जन्मों के भी है जी। उनको हम अभी जागृत अवस्था में लाकर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करो उनको अपनी तरफ, और जैसे ही वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हम उन्हें सीधा कहां अट्रैक्ट करेंगे, ऊपर की ओर, भगवान की तरफ। इतना तो हम लास्ट जन्म में कर सकते हैं ना। तो जिन्होंने हमें मदद और सहयोग, प्यार और मदद जिस प्रकार की भी की है, उनका तहे दिल से 24 घंटे में एक बार दिल से धन्यवाद बोलिए। वो कहीं भी है, सात समुंदर पार है, जान पहचान वाले हैं, अनजान है, इस जन्म वाले जो भी है, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, मदद किया, साथ दिया, प्यार दिया, सुख दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वे जहां भी है सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, निरोग रहे। अपनी हृदय की गिफ्ट्स, दुआएं उनको भेजिए। और इसका परिणाम ये होगा कि अगर हम कभी कहीं किसी कारणवश अकेले कहीं जंगल में भी फंस गए ना कोई मददगार प्रकृति, ब्रह्मांड हमारे सामने उपस्थित कर देगा, क्योंकि हमने बीज बो रखे हैं ऐसे मदद वाले जो देने के लिए तैयार रहेंगे हमें। तो उनको धन्यवाद देना, उनको दुआएं देना। अच्छा, दुआएं पूरे विश्व की आत्माओं को भी देनी है, केवल जिनसे अच्छे बुरे कार्मिक अकाउंट, उन्हीं को ही नहीं, जिनसे नहीं भी है, जिनसे नहीं भी है उनको भी दुआएं। सुबह सुबह उठकर विश्व के गोले पर बैठकर या उसको विजुअलाइज करके सामने फील कीजिए, बाबा का हाथ मेरे सर पर है और वो हाथ दुआओं भरा हाथ है, अनगिनत दुआएं उस हाथ में है जो मेरे सर पर है, और फिर अपने दिल से पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआएं कीजिए, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब निरोग हो, सब सदमार्ग पर चले, सबको सद विवेक प्राप्त हो,
सबके चित्त शांत हो, सभी का कल्याण हो, भला हो, भला हो। तो हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, वो डबल होकर मिल जाएगा। हम पूरे विश्व को दुआएं देंगे तो ये दुआएं डबल होकर हमारे पास आ जाएंगी और दुआओं से हमारी झोली भर जाएगी। अब ये दुआएं देखिए, कहने में बड़ा छोटा सा शब्द है। हमारे दीदी जो लौकिक में थे, बुआ, वो सेंटर इंचार्ज थे, उनको 1.5 साल पहले कैंसर हुआ। नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें वो एडमिट थी। तो हम उनके पास आ जा रहे थे, तो हम उनकी बाजू में ही एक पेशेंट एडमिट था, बुजुर्ग थे, काफी रिच लोग थे। तो जब हम उनके रूम में आते जाते थे तो वो एक बुजुर्ग महिला थी अपने हस्बैंड को लेकर, बूढ़े थे वो, उनकी सेवा में वो दो ही थे, एक वो एडमिट थी, एक वो बूढ़ी, वो ही रहती थी साथ में। तो जब हम आते जाते थे ना, बड़ी प्यासी सी नजरों से वो हमको देखती थी। तो हम उनको देख, जब तक उसकी नजर हटे नहीं हमसे तब तक वो देखती रहती थी। हम पीछे मुड़ के भी देखते थे, ये कुछ कहना चाहती है, हमको ऐसा लगता था कुछ कहना चाहती है। अच्छा, 2-3 बार राउंड मारे। एक बार तो वो कमरे से बाहर निकल के आई और जब तक हम अपने वार्ड में नहीं चले गए तब तक वो हमें देखती रही। अभी एक दिन उसने रोक लिया हमको, दूसरे दिन कहती, आपका कोई है? मैंने कहा हाँ, हमारी भी पेशेंट है यहाँ पर। तो वो भी सेंटर इंचार्ज थे, शक्ति बहन जो एडमिट थे। तो कहती, मैं आप लोगों को देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ इनका यहाँ पेशेंट है, पर इनके चेहरे पे खुशी भी और शांति भी है, और यहाँ सीरियस पेशेंट ही आते हैं इस हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा हाँ। तो कहती, मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? मेरे हस्बैंड को भी कैंसर है फेफड़ों में। अच्छा, बुजुर्ग हैं इसीलिए ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनको, आप उनके लिए दुआ करना। मैंने कहा ठीक है, आप उनके लिए दुआ करोगे ना? मैंने कहा हाँ, हम करेंगे दुआ। तो मैंने कहा, मेरी क्या आप माइंड ना करो तो मैं आपसे एक बात पूछूं, कोई देख रही हूं यहां, आपके बच्चे वगैरह नहीं है क्या? आप बुजुर्ग हो, आपसे चला भी नहीं जाता, आप सपोर्ट लेके चल रहे हो, और ये भी बुजुर्ग हैं तो आपके बच्चे वगैरह तो होंगे ना? कहती सब है। कहती 3 करोड़ की गाड़ी हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, नौकर है 8-10, धन की कोई कमी नहीं है, मेरे बेटे भी हैं 2, कहाँ है? विदेश। आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि इनकी लास्ट कंडीशन आ गई है? किया था, इन्फॉर्म किया था कि लास्ट कंडीशन आ गई है, एक बार मिल लो, तुम्हारे पापा की इच्छा है तुम्हारे से मिलने की। बोल दिया हमारे पास वक्त नहीं, हम 2-2 बार नहीं आ सकते, पापा हॉस्पिटल में कितना लंबा लेंगे टाइम पता नहीं, जब उनका अंतिम संस्कार होगा तब बता देना, तब आ जाएंगे। ये कह करके वो रोने लगी। कहती समझ में आया, मेरे पास धन बहुत है, अरबों की मालकिन हूं, साधन बहुत है, पद पोजीशन भी था, बच्चे भी थे, परंतु आज मेरे कोई भी काम, धन भी काम भी नहीं आया, बच्चे भी नहीं आए, पोजीशन भी काम में नहीं आ रहा है, आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रही हूं। आप मेरे लिए और मेरे पति के लिए दुआ करो, हमें दुआ दो। अब आप सोचिए, जब धन भी है, भी है, जब नौकर चाकर भी है, जब साधन भी है, सब है, फिर भी कंगाली किसकी है? किसकी कंगाली है बताइए? क्या मांग रही है वो? सबको चाहिए,
और आप सबने, हम सबने कोरोना में देखा अरबों पतियों के धन धरे के धरे रह गए, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। एक अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन, पूरे देश में बिजनेस फैला हुआ है, 60,000 की बाईपैप मशीन नहीं जुटा पाए, 1 करोड़ देने को तैयार है। 60,000 की मशीन 1 करोड़ में दे दो, लेकिन धन समय पर काम में नहीं आया। इसीलिए अभी भी वक्त है, तीसरा नेत्र खोल ले, हमें काम आएगा दुआएं, हमारे अच्छे कर्म, बाकी सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अभी भी वक्त है, कुछ अच्छे कर्म कर ले, कुछ दुआएं ले ले, कुछ दुआएं दे दे, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। 2 दिन की जिंदगी है, किससे नफरत किससे बैर करें हम, प्रेम प्यार से काट लो ना। बाबा आया ही है प्रेम प्यार सिखाने, तो जो आज कहते हैं कि हम ये बैर भाव नफरत बदला क्रोध आज यहां इसी वक्त छोड़कर जाएंगे, अब सिर्फ दुआएं देंगे सबको, जो जैसा है भगवान के हवाले कर दो। ये मैं आपको बता रही हूं, कर्म गति काटे नहीं कटती और टाले नहीं टलती, और जब कर्म गति सामने आती है तब भगवान क्या हो जाते हैं, साक्षी हो जाते। उसका पहला नंबर मुरब्बी बच्चे को जब खांसी आती है जिस पे जान अनोछावर है उसकी, तो वो क्या कहता है, सुना मुरलियों में क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है बताइए, हैं? ये तेरा कर्म भोगे तू चुक्त कर, हाँ तेरा लोन लिया है उसकी भरपाई मैं करूंगा, लेकिन ये तेरा कर्म भोगे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, आप एक बात बताइए, जज का बच्चा अगर मर्डर कर दे तो क्या जज अपने बच्चे के लिए कानून बदल देगा? भगवान के बच्चे ने कोई गलती की है पूर्व जन्म में, वो विधान उसने बनाए हैं, विधाता है वो, तो क्या वो विधाता रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर देगा? तो पूरा सृष्टि की व्यवस्था डगमग हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, दुआएं और पुण्य कर्म ही काम में आएंगे तो भगवान का क्या रोल है, फिर भगवान करेगा क्या मेरे लाइफ में? इसीलिए कई बुद्धिवानों ने कहा पूजा करनी है तो कर्म की पूजा कीजिए, और वो कर्म की पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने मान्यता सिद्ध कर दी कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म ही सुख दुख देता है। सुख दुख जब आते हैं, कर्म गति जब आती है तो भगवान तो साक्षी हो जाते, तो फिर भगवान का क्या रोल है? क्यों हम भगवान के पीछे पड़े हैं फिर? फिर तो कर्मों पे ध्यान दीजिए ना, कर्म अच्छे कीजिए, दुआएं लीजिए, फिर भगवान का रोल क्या है मेरी लाइफ में? क्यों बैठे हो घर छोड़ के इतने टाइम से यहां पर, बताएगा क्या रोल है भगवान का? कोई बताएंगे बहने रोल क्या है भगवान का? भाई कर्म ही सब कुछ है, दुख सुख मुझे कर्मों से मिलेगा, भगवान का रोल क्या है फिर, है बहने बताएं, कोई तो बताओ जी, बोलो बोलो, हाँ बताओ कार्तिक, भगवान का रोल क्या है मेरी लाइफ में? दुख सुख तो कर्मों से मिलेगा मुझे, क्या रोल है उसका? सद्बुद्धि, और क्या है बताओ? हाँ जी, अच्छे कर्म उसकी याद में हो सकते हैं, और
और कोई बताएगा? देखो उसका रोल में बताती क्या है, जो 63 जन्म में जाने अनजाने में पाप हो गए हैं ना, जो 63 जन्म में जाने अनजाने में विकारों के वश पाप हो गए, आत्मा में पाप चढ़ गए हैं, अगर उनको जलाने की कोई ताकत रखता है, उनको भस्म करने की कोई ताकत रखता है पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में, तो केवल एक है, वो है ऊपर वाला शिव। उसकी याद से विकर्म विनाश हो सकते हैं, पाप जलकर भस्म हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा रोल है उसका, सबसे बड़ा रोल। दूसरा रोल क्या है? अभी एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, और 5 साल के बच्चे को कहे कि तू 2 साल के अपने भाई को उठा करके 3 किलोमीटर चला जा, उठा पाएगा क्या? 5 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को गोदी में ले लेगा क्या और 3 किलोमीटर चला जाएगा क्या? क्यों नहीं? क्योंकि उसका भाई है, उठा सकता है ना, उसका अपना है, भाई है, क्यों नहीं उठा सकता उसको? क्या क्या रीजन है क्यों नहीं उठा सकता? हां जी, छोटा है, उसका स्टैमिना अभी इतना नहीं है कि वो 3 साल के बच्चे को उठा पाए, लेकिन जब वो 15 साल का होगा तब बिना कहीं उठा के घुमा देगा क्या? 15 साल का बच्चा अपने छोटे को उठा लेगा कि नहीं? तब उठा सकता है, क्योंकि अब उसका स्टैमिना क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक इसी प्रकार से जैसे शरीर का स्टैमिना घटता बढ़ता है, आत्मा का भी बल अब क्या हो गया है, घट गया है। कुछ भी ये आत्मा उठा नहीं पाती है। अब इस बल को बढ़ाएगा कौन? अब शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए तो आप दूध, प्रोटीन, विटामिन्स, डोज, खुराक कुछ भी लीजिए, लेकिन आत्मा का स्टैमिना कौन बढ़ा सकता है? आई समझ में? कौन बढ़ा सकता है जी? एक ऊपर वाला ही है जो इस आत्मा के स्टैमिना को बढ़ा सकता है। बहुत बहुत बहुमूल्य रोल है आत्मा का बल बढ़ाना, बहुत बड़ा रोल है उसका, आत्मा का बल बढ़ाना, ताकि परिस्थितियों को मैं हंसते खेलते उठा लूं, कोई भी बोझ को इजीली उठा सकूं, इतनी ताकत वो मेरी आत्मा में भर देता है, इतनी ताकत भर देता है। भले वो मेरे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन ताकत दे देगा, शक्ति दे देगा उसको फेस करने की। ये बहुत बड़ा रोल है। और तीसरा जो जबरदस्त रोल है, वो कर्मों में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन साथी बनने को तैयार है। कर्मों में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन क्या बनने को तैयार है? अब हम क्या करते हैं, बाबा मेरी ये समस्या ठीक कर दो ना, बाबा मेरा ये रोग ठीक कर दो ना, नहीं करेगा, क्योंकि उसने कह दिया तेरे कर्म है, तेरा कर्म युद्ध है, तू जान, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। परंतु साथी बन जाएगा, और जहां सर्वशक्तिवान का साथ मिल जाए वहां कोई समस्या रहती ही नहीं है, वो राह ही ऐसी दिखाता है कि समस्याएं साइड हो जाती है। तो तू ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, ये कहने की बजाय मुझे क्या कहना है अभी, बाबा कर तो हम लेंगे, इतने समर्थ हम हैं, कर तो हम लेंगे, बस तुम साथी बनकर साथ में आ जाओ, अर्जुन जैसी बुद्धिमता दिखाओ। कौन सा युद्ध लड़ा था श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ? युद्ध कोई नहीं लड़ा था, लड़ा था क्या, लेकिन विजयी कौन हुए थे? पांडव हुए थे, बिना युद्ध लड़े जिताया था, साथी बनने की ताकत थी, वो साथी बनाया था उसको। साथी बनेगा तो गाइड करेगा,
राह दिखाएगा, बचाएगा। तो तू ठीक कर दे नहीं करेगा, इसलिए बुद्धिमता से उसे क्या करना, कर तो हम लेंगे, तू साथ में आ जा, बस साथी बन के खड़ा रहे साथ में। तो साथी बनाइए उसको, और फिर उसके चमत्कार देखिए कि साथी बनकर वो क्या क्या चमत्कार करते हैं। ये क्लास हम फिर कल कराएंगे, ठीक है? ओम शांति।